हेलो एवरीवन, करते हैं प्रश्नावली 8.2 और उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। ये आपकी ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखी है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ये पी ए बी का, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस डी ए का मध्य बिंदु है। फिगर दे रखी है बुक में, दर्शाइए कि क्या क्या बताना हमें। एस आर समांतर है ए सी के, ये एस आर ए सी के समांतर है ये बताना है, और एस आर 1/2 ए सी, यानी कि एस आर इस ए सी का हाफ है, आधा भी है इसका, 1/2 ए सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बताना है कि पी क्यू बराबर एस आर, ये पी क्यू और एस आर दोनों बराबर हैं ये बताना है, और तीसरा क्या बताना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, इस एक्सरसाइज में जो प्रमेय यूज होगी वो आपकी होगी मध्य बिंदु प्रमेय जो है वो है। ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, मान लीजिए कोई त्रिभुज आपके पास ए बी सी ऐसे कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है और ये इस ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए सी का मध्य बिंदु ई है, इन दोनों को मिला दें डी ई, तो होता क्या है कि अगर इनको मिला देना आपस में, सिर्फ रिजल्ट बता रहा हूं आपको मैं, तो ये डी ई जो है बी सी के समांतर होगी हमेशा, डी ई समांतर किसके होगी बी सी के, एक बात, और दूसरी बात क्या होगी डी ई इस बी सी की आधी होगी, डी ई बराबर 1/2 बी सी, ये आपकी मध्य बिंदु थ्योरम है, मध्य बिंदु प्रमेय है। आप इसको इतना याद रखना बस कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है, इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे और जहां कहीं भी इसको यूज करेंगे वहां सामने रीजन में क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय, इसको ऐसे करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका आसान सा, अगर आपको थ्योरम ये थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई है तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी त्रिभुज फर्स्ट पार्ट अभी है, ए सी डी में क्या क्या इसमें देखिए, एस ए डी का मध्य बिंदु है और आर किसका, सी डी का या डी सी का मध्य बिंदु है। एस भुजा, डी ए का मध्य बिंदु है, क्यों दिया है, दे रखा है तो, और आर भुजा किसका, डी सी का, आर भुजा डी सी का मध्य बिंदु है ये भी दिया है, तो मध्य बिंदु प्रमेय आ गई यहां पे, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये आपकी एस आर ए सी की क्या हो जाएगी, समांतर, एस आर समांतर किसके, ए सी के, एक तो ये, और दूसरा साथ में क्या होगा, एस आर बराबर 1/2 ए सी, अभी मैंने जो रिजल्ट बताया था, और रीजन क्या लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, यानी यहां से पहला पार्ट आपका प्रूव है कि एस आर समांतर किसके, आपका ए सी के। इसको मैं नंबर एक भी लिख देता हूं, जरूरत पड़ेगी आगे इसके अपने को। दूसरा भाग इसका, दूसरे भाग में देखिए, दूसरे भाग में हमने पी क्यू और एस आर को बराबर सिद्ध करना है, पी क्यू और एस आर को, तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी नहीं है ये लेनी पड़ेगी नीचे वाले, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या है, पी ए बी का और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, पी
पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है दिया है। क्यू भुजा बी सी का मध्य बिंदु है ये भी दिया है। फिर वही मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु पर में ये अगर मध्य बिंदु है तो पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा आपका ए सी के। पी क्यू समांतर किसके हो जाएगा आपका ए सी के। इसलिए पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू बराबर एक बटा दो ए सी, नंबर दो कह दो और मध्य बिंदु पर में। मध्य बिंदु पर में ठीक है। अब एक तथा दो से समीकरण एक तथा दो से ये आपकी समीकरण एक थी, ये आपकी समीकरण दो है। समीकरण एक तथा दो से एक तथा दो से क्या हो गया यहां पर देखिए। यहां जी पी क्यू समांतर किसके ए सी के, एस आर समांतर किसके ए सी के। देखिए पी क्यू समांतर ए सी, एस आर समांतर ए सी, तो दोनों आपस में समांतर होगी कौन पी क्यू और एस आर दोनों क्या हो गए समांतर हो गए। समीकरण एक तथा दो से क्या क्या आपका पी क्यू समांतर एस आर, पी क्यू समांतर किसके एस आर के। रीजन लिख देता हूँ क्योंकि पी क्यू समांतर ए सी के है और एस आर समांतर वो भी किसके है ए सी के है, तो इसको समीकरण नंबर तीन कह देते हैं ठीक है भी। अब यहाँ देखिए एस आर बराबर एक बटा दो ए सी, पी क्यू बराबर एक बटा दो ए सी, यहाँ भी ये भी एक बटा दो ए सी, ये भी एक बटा दो ए सी, तो यहाँ से क्या होगा पी क्यू बराबर किसके एस आर के, पी क्यू बराबर एस आर के। रीजन लिखना चाहो लिख दो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि पी क्यू बराबर एक बटा दो ए सी, एस आर बराबर एक बटा दो ए सी। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे पी क्यू समांतर, पी क्यू समांतर एस आर के और पी क्यू बराबर एस आर के। और अगर किसी यही पहले तो यही करना था पी क्यू बराबर एस आर, सेकेंड पार्ट तो इतना ही था, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड के लिए थर्ड में क्या है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर एस आर और पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर किसके एस आर के, किससे समीकरण तीन और चार, इसको चार कह देते हैं। समीकरण तीन व चार से, और अगर कोई चतुर्भुज ऐसी हो जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और समांतर हो तो ऐसी चतुर्भुज क्या होती है आपकी समांतर चतुर्भुज होती है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है।